स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल रिक एकेडमी में। चलिए दोस्तों मैथ्स प्रैक्टिस में आज हम लोग बीएसएससी मेंस का जो क्वेश्चन आया हुआ है उन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल आया था एग्ज़ाम में। तो सवाल है कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे एक मीटर में 8 पीस काटना है। एक मीटर में 8 पीस काटना है दोस्तों, ठीक है। तो तदनुसार उसे पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए 37, इसमें कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट 37.5 है उसमें बस 8 मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो 2 4 8 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5 5 7 35 5 5 25, फिर 75 × 4 गुना करेंगे तो मेरा 75 × 4 = 300, ठीक है दोस्तों। तो 300, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है दोस्तों, 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो तदनुसार वह संख्या कितनी है। दोस्तों आप इसे नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं या फिर ऑप्शन के थ्रू से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या है ना कि लिखा हुआ यदि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, तो मान लीजिए कोई संख्या x है और x में हम लोग 21 जोड़ते हैं, जब x में 21 जोड़ते हैं तो फिर बोला हुआ अपनी संख्या का अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो मान लीजिए x था तो x का तिगुना 3x, अब फिर -7 हो जाएगा। अब क्या करना है कि x वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे तो उधर मेरा 2x हो जाएगा, ठीक है, और 21 और ये ऐड हो जाएगा तो 21 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 + 7 देखिए यहाँ पर ये 3x है ना, x माइनस एक्स, और ये इसको इधर लेते आएंगे तो मेरा इधर हो गया 28, ठीक है, और ये 2x हो गया तो 2x 28, तो कट कर देंगे 2 1 2 2 4 8, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 14, ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, ठीक है, 14। ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों क्वेश्चन है कि 44,806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदले तो होगा। दोस्तों इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजन में आ चुका है और ये देखिए ये मुख्य परीक्षा का सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका निकटतम 1000 बोला है तो निकटतम 1000 तो इसका क्या हो जाएगा 44806, ठीक है, तो निकटतम 1000 इसका 5000 हो जाएगा, उसके आगे यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जा चुका है ये भी सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो सवाल आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि एक किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को एक चौथा या तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है, तो तदनुसार n का मान कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला बेटा को मिल रहा है कितना n/2, ठीक है, फिर प्लस फिर दूसरे बेटे को n 1/4 तो n/4, और फिर तीसरे बेटे को 1/5 हिस्सा मिल रहा है यानी n का 5 हिस्सा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर चौथा को बोला 7 गाय, तो डायरेक्ट 7 गाय मिला है तो इसलिए डायरेक्ट 7 लिख देंगे, और फिर = n, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, नहीं दिख रहा तो फिर एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 और n, ठीक है दोस्तों। चलिए ओके अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम यहाँ पर आएगा 20 आया, अब 2 का 10n हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 4 5 5n और यहाँ पर प्लस 4n, ठीक है दोस्तों, और प्लस यहाँ हो जाएगा मेरा 140 = 20n हो गया। अब क्या करेंगे सारे n को ऐड कर लेते हो, कितना हो गया 19 19n, तो 19n, और ये दोस्तों ये 20 जो था ना वो उधर चला गया तो इसको अब हम लोग कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 20 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई n के साथ 20n, तो फिर प्लस ये हो गया मेरा 140 =
120 एन। अब एन का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, एन का वैल्यू हो गया 140। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो 4 है वो हो गया है आंसर। ओके फ्रेंड्स।